नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आपका प्यारा सा वेलमो प्लेज और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। एक मिनट, मैं ब्रेकिंग न्यूज में कब आया यार? अरे मैं तो एक यूट्यूबर हूँ ना यार, वही तो कहूँ यार, ब्रेकिंग न्यूज में मैं नाच क्यों रहा यार? नाचते नाचते मेरे हाथ पांव दुखते हो गए यार, मेरे को तो यूट्यूब पे नाचना चाहिए, तो ये किस में नाच रहा हूँ मैं? चल यहाँ से। तो फाइनली मैं निकल आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज के टीवी के अंदर से और अभी आ चुका हूँ आपके मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप अपने माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन के अंदर एक नहीं दो नहीं तीन तीन यूट्यूबर्स के वर्ल्ड, वो भी एक ही वर्ल्ड के अंदर किस तरह डाउनलोड करना है वो आपको बताने जा रहा हूँ। भाई साहब कसम से कह रहा हूँ, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। थोड़ी सी मेहनत के लिए एक अच्छा सा लाइक तो बनता ही है, और लाइक भी कर दिया तो सब्सक्राइब भी कर ही दो यार। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी गेम लैग हो रही है, वो सिर्फ शेडर्स की वजह से हो रही है, लगता है शेडर्स को बंद करना पड़ेगा यार। हाँ तो अभी मैं आ चुका हूँ बिना शेडर्स के अंदर, और अभी देखो यार मेरी गेम कितनी स्मूथ चल रही है। आपको तो पता ही होगा कि आपने चपाती हिंदुस्तानी गेमर के अंदर तो देखा ही होगा कि ये एक मशरूम का ट्री है और पीछे एक ऑगी नहीं लॉगी का हाउस है, लॉगी और एक ज्यादा पोर्टल, और ये दो घर का हम लोग ने चैलेंज लगाया था। और वो आप देख सकते हो वहाँ पे इतना बड़ा गोलम दिख रहा है, वो है रॉक इंडियन गेमर का वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड है मिथ पार्ट का वर्ल्ड, और ये सेम टू सेम मिथ पार्ट जैसा डिजाइन करेला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी टाइम मशीन भी है जिससे हम टाइम के पीछे जा सकते हैं। सच्ची में जा रहा हूँ मैं, बंद कर, रात हो गई, थोड़ा सा टाइम को आगे करना पड़ेगा लगता है। आगे करने के लिए शायद तक ये बटन दबाना पड़ेगा। गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा अक्खा पूरा वर्किंग है, ये देख सकते हैं अक्खा ये वर्किंग टाइम मशीन है मिथ पार्ट की। और साथ आपको मिथ पार्ट एक बहुत ही अहम चीज़ देगा, वो है ये शल्कर बॉक्स में, लेकिन ये शल्कर बॉक्स मैं तभी ओपन करूँगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और अभी तो मैं नहीं खोलने वाला हूँ, अभी आपने सब्सक्राइब करा नहीं है मुझे पता है, सो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी मैं वीडियो के एंड में खोलने वाला हूँ इसके अंदर क्या अहम चीज़ है, तो प्लीज़ एंड में बने रहिए। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा टूर करा देता हूँ, मैं फिर आप लोगों से मिलता हूँ। सो देख लिया आप लोगों ने, सो अगर मेरे से कुछ चीज छूट गई है तो मैं अभी आपको पहले थोड़ा सा और टूर करवा देता हूँ कि कुछ चीज छूट गई है, और फिर बाद में इस शल्कर बॉक्स को खोलेंगे और फिर मैं आपको डाउनलोड की लिंक बताऊंगा, और डाउनलोड की लिंक भी बहुत हार्ड होगी, तो प्लीज पूरा देखना, डाउनलोड की लिंक हार्ड है। सो अभी आपको बताता हूँ कि ये देखो यार, ये चपाती का वो टावर है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज है जिसका मेरे को नाम भी नहीं पता है। सो मैं आपको यहाँ से ही टूर करा के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ा भी है। तो गाइस देख सकते हैं इतना बड़ा अच्छा सा वर्ल्ड है चपाती हिंदुस्तानी गेमर का, और मिथपात का तो आपको पता ही होगा, और ये है रॉक इंडियन गेमर का वर्ल्ड का वो आयरन फार्म, और ये है गोलम आयरन गोलम, और ये है उसकी मशीन, और यहाँ पे थोड़े से एनिमल्स रहते हैं लेकिन वो एनिमल्स मैंने जो ऐड नहीं करे, तो सॉरी गाइस, अगर आपको पता है कि कौन कौन से एनिमल्स है तो आप खुद ऐड कर लेना यार।
थोड़ा हार्ड एनिमल्स को, मेरे को खबर नहीं है कौन कौन से एनिमल्स है उसके पास। और ये उसका बीकन है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। देखो यार, और ये देख सकते हो, ये स्नो का कासल है। और फाइनली उसका घर भी है यहाँ पे, और ये घर भी सेम उसके जैसा है। बस ये मेरा एक ग्लास का अडोन है जो मैंने लगाया है, अडोन तो नहीं कह सकते इसको, एकदम प्लेन ग्लास। आप देख सकते हो कितना प्लेन है कि ऐसा लगा कि अंदर ही घुस जाऊंगा तो आराम से चले ही जाऊंगा, लेकिन ये ग्लास है। मैं को तोड़ के दिखाता हूँ तो देख सकते हो इतना सही है ग्लास। तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसा इसका घर। तो देखा तो सेम टू सेम उसके जैसा ही है, रॉक इंडियन गेमर जैसा ही। तो जल्दी से इसके डाउनलोड की प्रोसेस पे भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिथपात की चेस्ट प्लेट और सॉरी सल्कर बॉक्स भी दिखा देता हूँ कि उसमें क्या है, और वो भी बहुत ही अहम चीज है। तो चलो इसको खोलते हैं यार, चलो इसे खोलते हैं। और ये खोला तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे गॉड लेवल एंचांटमेंट्स की बुक्स है। ये है बो की एंचांटमेंट्स, ये है ट्राइडेंट भी देख सकते हो कितनी सही एंचांटमेंट्स है, और ये है स्वॉर्ड की एंचांटमेंट्स, सब 3, 2, 7, 6, 7 है। आप देख सकते हो कितनी सही है, अक्का गॉड आर्मर है ये। सो गाइस मिकपार्ट इतनी सही चीज दे रहा है, तो प्लीज जाके डाउनलोड कीजिए यार गॉड आर्मर, और साथ में कुछ कुक चिकन भी दे रहा है मिटपार्ट आपको। सो खुश होना चाहिए। सो अभी जल्दी से चलते हैं इसकी डाउनलोडिंग की प्रोसेस पर, और किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो चलो जल्दी से डाउनलोड की प्रोसेस पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कुछ ऐसा लगेगा। सो आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो मेरा मीडिया फाइल लिंक है इसको ओपन करना है क्रोम ब्राउजर के अंदर, और ये ओपन हो जाएगा सीधा मीडिया फाइल लिंक। और ये मीडिया फाइल लिंक मैंने बनाई है, तो प्लीज इसे जाके डाउनलोड कीजिए। सिर्फ 2 MB का है, मतलब 3 MB का है, तो ये मैंने पहले से डाउनलोड किया है। ऑब्वियसली यार मैंने थोड़ा टेस्टिंग के लिए डाउनलोड किया था, तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैकअप पर क्लिक कीजिए, जेड आर्चीवर ओपन कीजिए। जेड आर्चीवर ओपन करने के बाद डाउनलोड के फोल्डर में जाइए। सो गाइस आप ये देख सकते हो, ये मेरी ये वर्ल्ड की जीप है। सो आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। डाउनलोड्स के अंदर से निकलिए, डिवाइस मेमोरी के अंदर जाइए, गेम्स वाला फोल्डर में जाइए, com.mozaik में जाइए, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स में जाइए, और इसके अंदर सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये मैंने पहले से पेस्ट किया है, सो मैं आपको फिर से रिप्लेस करके दिखाता हूँ। सो गाइस लगता है वो मेरा रिप्लेस नहीं हुआ है, लेकिन छोड़ो गाइस, आपको सेम मैंने जो ट्रिक बताई है सेम उसको ही वापरना है। और सीधा आपको यहाँ से बैग चाहिए, इसे हटा दीजिए, अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर दीजिए। मेरा वर्ल्ड माइनक्राफ्ट चालू हो चुका है, तभी मैं यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैंने ये वर्ल्ड का नाम रखा था टेक्नो गेमर्स वर्ल्ड। और ये अभी 16 MB का किस तरह होगा यार, मुझे पता है कि ये 16 MB का इसके लिए होगा क्योंकि ये मैंने ग्राफिक्स लगाई थी। तो गाइस जब तक यहाँ पे लोडिंग होता है, तो जाके सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक कर दो और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दो। घंटा भी आएगा सब्सक्राइब के बाद, और सब्सक्राइब के बाद घंटा आने के बाद आपको सिर्फ घंटे को ऑल पे कर दीजिए, तो यहाँ पे मेरा ये वर्ल्ड चालू हो जाएगा। सा यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा वर्ल्ड चालू हो चुका है, और मैं यहाँ पे सीधा लैंड हुआ हूँ रॉक इंडियन गेमर के वर्ल्ड में। और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया है। सो मैं आपको फिर से वो गॉड आर्मर वाली चीज़ दिखा देता हूँ कि मिटपार्ट हमें बहुत ही अच्छी चीज़ दे रहा है, तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए। मैं बार बार इसे क्यों तोड़ देता हूँ यार। सो देख सकते हो ये मुझे गॉड आर्मर का एंचांटमेंट दे रहा है ये मिटपार्ट हमें। सो और क्या चाहिए, और ये मिटपार्ट का लामा है उल्टी, मैंने कुछ कुछ एनिमल्स को यहाँ पे लगाई है। और ये है आयरन फार्म, आयरन फार्म भी मैंने ऑब्वियसली नहीं बनाया है।
इसको बनाने में इतना मेहनत लगा यार, तो इसके लिए भी आयरन फार्म के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको आने वाले वक्त में आयरन फार्म पूरा पूरा वर्किंग वाला आयरन फार्म दूंगा। जैसा आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे पहले से आयरन मिलेगा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे भी आयरन है और यहाँ पे तो घंटा है। छोड़ो गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना होने वाला, सेकंड वीडियो जल्दी आने वाली है। सो बाय बाय एंड टेक केयर या। और अभी वीडियो की एंडिंग में मैं ये मिड पार्ट का टाइम मशीन चलाने वाला हूँ और आप देख सकते हो गाइस कितनी जल्दी रात से दिन रात से दिन रात से दिन बहुत हो रहा है। अभी इसको बंद कर देता हूँ और ये फुल्ली वर्किंग है यार ये टाइम मशीन। प्लीज आके डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो जाइए और इसे डाउनलोड कीजिए।